स्टार्ट साइलेंस एवरीवन। और टाइगर ब्रांड मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप एंडोर्स करने लगे हैं, इसके बारे में पहले क्या बताना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। आई थिंक खासकर बागी टू के बाद काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, काफ़ी फ्रॉम द वेब ब्रांड्स माई वैल्यू हैज़ गॉन अप आई थिंक बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ बागी टू खासकर, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं और बहुत ही थैंकफुल हूँ कि यू नो लॉट ऑफ ब्रांड्स आर सीइंग बिलीविंग इन मी एंड थिंकिंग दैट आई कैन हेल्प देम रिप्रेजेंट दैट ब्रांड। व्हाट एक्साइट यू टू चूज दिस लाइक माचो? माचो के बारे में अगर बात करें तो खासकर मैं ज़्यादा एक्साइट था क्योंकि उनकी जो फिलॉसफीज़ थे, उनकी जो जो टैगलाइन है बड़े आराम से, आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, इट्स अ ब्रांड आई बिलीव इन एंड या। कितना प्राउड मानते हैं क्योंकि हम माचो में देखते हैं कि सलमान जैसे ब्रांड एम्बेसडर, अजय देवगन, उसी फैमिली में आप जुड़ गए हैं, आप लगता है कहीं ना कहीं एक स्तर पर आप पहुँच चुके हैं कि इनके साथ आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खासकर या ये आई थिंक सलमान सर और ये जितने भी नाम आपने अभी मेंशन किया जी, बहुत बड़े स्टार्स हैं और काफ़ी समय से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, बट मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट ब्रांड। Tiger, your next film is also a very interesting lineup. You have Student of the Year too, and you also have the film with Hrithik as well with Vaani Arora. So there were some reports coming out that probably you had a no kissing clause which you had to break for the Student of the Year too. If you would like to clarify on those reports. Well, I think that's just a rumor, really. If you've seen any of my films, then you know, not that I've deliberately you know done it, but every one of my films has had a kiss, and. Yeah, but it's not something I really focus. If the story demands it, you know, it's not a problem. As actors, I think we have to be open to such things. Talking about future films, there were also other reports saying that probably you're in talks with Sanjay Leela Bhansali. If there's any clarification on those? You know, he was just kind enough to sort of meet me, but we haven't. There's nothing that's been official or anything. Just you know, a courtesy meeting, and I'm a big fan of his work. Excited for Tiger, aapne Baagi 3. Excited for Baagi 3. फिलहाल तो टाइम है उसके लिए, फिलहाल SOTY2 और ऋतिक वर्सेस टाइगर, देयर इज नो टाइटल टू दैट फिल्म बट आई एम बिजी विद दीस टू फिल्म्स। ऋतिक रिपोर्ट्स आर रूमर दैट यू नो यू आर गोइंग टू हैव अ फेस ऑफ विद ऋतिक इन द मूवी, अ डांस फेस ऑफ, इज दैट ट्रू? वेल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पिन पॉइंट दैट, वी हैवंट रियली क्रिएटेड दैट सॉन्ग येट, but there's an interesting situation in the film where you know both of us come together on the dance, and also rumors are there that you know he's playing a guru of yours. Well yeah, we had sort of publicized the film that way when we had announced it on Twitter, on social media, so yeah, I think that's already out there. Yeah. Done. टाइगर कितने खुश हैं आप जिन्हें आप मेंटर मानते हैं ऋतिक को, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है? आप हमेशा से कहते रहे कि वो आपके आइडल हैं, आइकन हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरे लिए खासकर एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, यू नो बिग फैन ऑफ हिम, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अक्टूबर से हम एक्चुअली साथ में शूट करने वाले हैं, तो excited for that. Tiger, do you want Ritik to be easy on you as a youngster? You want him to be as tough as ever? I want him to be at his best, yeah, and he's always at his best. I don't think he'll ever go easy. टाइगर एक और सवाल कि हाल ही में एक दिशा और ऋतिक के को लेकर एक खबर थी जिसपे दिशा ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और ऋतिक ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे उस तरह के रूमर्स पर? I think part and parcel there. I think every star, not just Ritik, faces that. I think if once you're on the limelight, you know, you become an easy target. हालांकि बहुत ही silly rumor था वो, और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो you know, they're nothing like that. I mean, they're both lovely humans. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.